लो जी हूँ अगर ऐप पाटा ना तो या तो मैं अपना सिर पाड़ लेना या फिर ट्रांसफार्मर दोबारा पाड़ देना मैं आके। आर यू कॉमेडी मी? हेलो जी, इस वक्त टाइम हो चुका है कितने का? एक तो यार मेरी वॉच स्लीप मोड लग गया, 12:23 हो गए हैं। ठीक है, तो इस वक्त आप ये गली का हाल देख रहे हैं, बिल्कुल सुनसान है। हमारी एक सिर्फ ये लाइट जल रही है वो इस वजह से क्योंकि हमारा यूपीएस है। भी हुआ ये कि शाम का टाइम था और ये जो लड़के बैठे हैं इनके बिल्कुल ऊपर ट्रांसफार्मर है जिस वजह से जी पटाखे की आवाज़ आई। जी कुकड़े कुकड़ा कुकड़ा दी हाँ कुकड़ा कुकड़ा की लड़ाई कुकड़ा की लड़ाई। अब बच्चा वकालत करके विचार है कि शायद मैं कुकड़ा की लड़ाई छिड़ा ला। उस्ताद जी छिड़ाओ छिड़ाओ, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए तीसरी दफ़ा फटा है। ठीक है, तीसरी दफ़ा रात से, एक मैंने आपको रात को दोबारा अपडेट दी थी ना कि दूसरी दफ़ा फट गया, तीसरी दफ़ा सुबह फट गया। और वो फटने के बाद अभी जब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई टीम आए और वो ट्रांसफार्मर बदले, उतनी देर हम कुकड़ों की लड़ाई देख रहे थे। क्यों बुला भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अभी हम इंतज़ार करते हैं कि ये ना हो दोबारा फट जाए। तो 30 घंटे हो गए हैं हम इसी तरह ही बगैर लाइट के खड़े हैं इंतज़ार में, स्टिल अभी इंतज़ार में। भाजी तू पूरे महल दियाँ 300 दवाव, अल्लाह ताड़ा खैर होए, अल्लाह ताड़ी खैर करे है। भाजी का अगर ब्याह होया तो अल्लाह 3 बच्चे दे और सानू 30 घंटिया की अजियत चु कट रहे ने। इतनी खुशी मुझे। जी गाइस, अब इस रस्सी से इस बड़े से लेले को पहले इस लेले को उतारेंगे, फिर इस लेले को चढ़ा के उसकी खाल उतारेंगे। तो वाह, गर्मी ने लोगों का की हाल करता है। ओए होए, गर्मी ने खोतियां का की हाल करता है। निगे निगे बच्चे हैं जी, खिलो के देख रहे हैं जिन्हें इंटर्नशिप कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर में चढ़ना है तो किवे लाना है ना। उस दिन क्या किया अभी आपने? यार अभी वो उसको जब फांसी से उतारा गया ना, उसको धक्का लगा के हमने वो उसके जो गाड़ी है उसके ऊपर रखा है। धक्का लाया साढ़े को नहीं लगना, लेकिन साढ़े जाजा भाई ने उन्हें उंगल लाई है बस, तो थले लै गए जाजा भाई दिखाया गया जी। है साढ़े जाजा भाई इन्हें बस टच किया ट्रांसफार्मर नाल ही लग गया, नहीं तो 3 बंदे जोर ला रहे हैं, कख नहीं होया। आप करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। हाँ जी, तो बात यह है कि अभी तो मैं कॉलेज का राउंड कर रहा हूँ और अभी अगला दिन है, पिछला दिन तो कल था जो आप लोग देख रहे थे, और बत्ती शत्ती कोई नहीं आई, रात में भी नहीं आई, नवें ट्रांसफार्मर तो ना दी। मैं कहा शायद यार 32 घंटे बाद को थोड़ा सुकून लग जाएगा, लेकिन सुकून इतने कभी भी, मतलब इफ़ यू आर इन पाकिस्तान और आपके पास लाइट नहीं जाती तो आप पाकिस्तानी नहीं हो सकते। तो जी बात यह है कि अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो बत्ती आ नहीं रही, मतलब जो लास्ट क्लिप था मेरा वो कल का था और अब कल कुछ नहीं था मेरे पास बनाने के लिए, आज दोबारा मैं जब बना रहा हूँ बत्ती फेर नहीं है, मतलब इंसान है कहने मजबूर क्यों ना आए फेर के। बिजली नहीं आती। हाँ जी, कपड़े फिर चेंज हो गए यार, अगला दिन है, मतलब व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो इस वजह से फिर आगे 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 इस वजह से। खैर अभी बिलाल आ रहा है, बिलाल को तो आप जानते होंगे पुराने व्लॉग से, तो वो आ रहा है, तो फिर उसके साथ गुजरात जाने का प्लान है, तो अभी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे 2 बजे का टाइम दे के गया था और अभी 2:45 हो रहे हैं, तो एक तो 11 बेलियाँ तो मतलब सुते भी हो ना तो आखिरी होंगे ने, अस यह बस पहुँच गए, तू बाहर आके खिलो, तू बाहर आके खिलो, मैं तो कोई नहीं गया, मैं इतनी बैठे, मैं पक्के थले बह जाना, आन गए तो आप ही फ़ोन कर लेंगे, तो आएगा तो फिर देखते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर गुजरात जाते हैं। लास्ट क्लिप में मैं देख रहा था कि मेरी आली मुझ थले सी, हूँ मैं दोबारा उतर की थी, कोई गल नहीं, होंगे रहा। अच्छा अभी बिलाल का इंतज़ार करते ना, मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था, तो टिकटॉक मतलब
टाइम ही पास करना था ना, तो वो मैं टिकटॉक यूज करते हुए कर रहा था। तो ऐसे ही ना मेरे सामने वीडियो आई कि जिसमें एक पर्सन ने अपनी पिक्चर लगाई हुई थी और गाना था उसके ऊपर लगा हुआ कि बंदा डक लेने आ करो चक लेने आ उतर साइकिल आ तेरे को वो भी तेन उत्ते बहन तो इनकार कर दिए कि मेरे उत्ते ना पे तू बंदा चुकना है वो साइकिल तेरे। ओए आवाज कट रही है दोबारा बोल। हेलो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਲਗਾ ਕਿਉਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਗੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸੋ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ सुन लिया आप लोगों। लो जी अभी अभी कॉल आई है कि हम लोग आ रहे हैं और आप बाहर आ जाओ, तो अभी सड़क क्रॉस करते हैं और क्रॉस करते जो है ना फिर हमने दूसरी साइड पे जाना है वहाँ से क्रॉस होगी क्योंकि यहाँ पे तो कोई बैरियर ही नहीं है कि जहाँ से क्रॉस हो सड़क, इसलिए थोड़ा दूर जाके क्रॉस करनी पड़ेगी। दूर दूर तक कोई आसार नहीं है यार, और ये ऐसे दोस्त हैं देखे कि मुझे बाहर बुला लिया और धूप में खड़ा कर दिया और वहाँ में कहते हैं बस दो मिनट में आया और मैं भी इतना पागल के मैं आगे खड़ा हो गया हूँ इनके लिए, अभी आते हैं तो फिर इनको पूछते हैं। अब हर गाड़ी को मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शायद इधर से होन शायद इधर से होन की मैं कहा इन होन आ रहे जे ऐ देखो इन्हें शक्ल देखो अपना भी कंसल्टेंसी के लिए आना था तो हम आए हैं यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए, ये ऑफिस है ते इंग्लैंड जाना जे नहीं रियल में तेरा भी आ गया क्रैक हो गया शुक्र है काफी बड़ा बड़ा बीमार है यार हूं तेरी ये परेशानी वो सर अब्बू का फोन से हाँ जी अंकल जी की हाल है सर कोई पूछ रहे सन वो टाइम में ना मेरा घर जाना था तो कह रहे सन कि घर नहीं आया। अच्छा मैं दस रहा हूं मैं कि मैं गुजरात आया हूं तेरे एक करी फिर चुमी करा जा नहीं मननी है सर तेरा मेरा की बारे में ये गुजरात जान दी ठीक है किधर गुजरात गया हम किधर गुजरात गया सर जा ले गया खर्चा थाने करके आया तेन मैं अबे को पैसे लेने इना कह दे तशरीफ के बारे सब बैठे हुए तो हम कितना शुक्र नहीं लगा सके ना ही हम बात कर सके ये फिलहाल साहब हम जानते हैं मैं कायखे बेले का सरदार सलीमान शाह का बेटा अर्तुगरल गाजी गड्डी थले मारती हूं बंद कर तू ड्राइवर है ए ड्राइवर गल ड्राइविंग दी नहीं है बड़ा 100 सेकंड थले लग जांदा भाई 35 लाख रुपए लगाया नया नया निशान लगाया केड़ा लाया हले तेनु मामा काला आ रही है सन के भाई मेरी गड्डी वापस कर दे नहीं 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 झूठिया नो शिट नो शिट दिस थिंग You know what I'm thinking? मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा से कम तरीकी मिसाले बन चुकी थी Alfredo Fettuccini और Redo Lamborghini और एक डब्बा शाही सफारी हो और सैंडो बुलबुजी और बॉडी ऐसी सारी हम गुजरात जा रहे हैं लेकिन वो देखो बदली बदल बदली बदल बदली बदल क्यों
भाई गुजरा वाला जा रहे हैं, गुजरात छोड़ कर आए हैं। यार मैं पुठा बोल गया, सॉरी। कोई गल नहीं है। मैं मेनू जरा शौक चढ़ रहा है बदल वेखन दा, बदल वेख के ना मेरा तेरा तौर पौर पौ गए। अच्छा इस वजह तो बदल ही बदल। क्या बात है, क्या बात है। तेरी इज्जत किवें हुई है, और तेरी जुरत किवें हुई। तू मेरी जात ते अटैक कीता, तू मेरे जात दे उत्ते अटैक कीता। पेरिस मार्केट। अभी यहाँ से वॉशरूम से फ्री होके तो फिर हम जो है ना, ये भाई व्लॉग में नहीं आना चाहते इसलिए ये मूंछ पा रहे हैं अपना। पता नहीं इन्हें कौन सा कांड किया। भाई एक वॉइस तुम्हें होती है कि सर्दी टका के पड़ रही हो पूरी, ऐसे जैसे हाथ काम रहे हो हल्का सा हीटर छोड़ा हो आप जैसे प्यारे दौड़ा के घुमा के छोड़ा हो इधर अंदर अंदर ही जरा बंदा पिछे बाहर है ना ऐसा मूड खराब किया। खदा वास्ता एक बारी मेनू माफी दे दो, मैं नहीं जे मुड़के खेलदा। बड़ा जबरदस्त मौसम हो गया। नहीं जी, बिलाल भाई ने शॉपिंग करनी थी जे डॉट से, अब लाइम लाइट पे गए फिर जे डॉट पे आए, लेकिन फाइनली हो गई है। तो वो देखें वो लाइम लाइट के और जे डॉट के शॉपर। तो अभी अब हम वापसी के लिए जा रहे हैं। बिलाल साहब देखो बड़े मसरूफ ने, उन्हें सीट अगे करने वास्ते वो खिंची है, जो तो सीट अगे होंगी है वो हाथ च ही आ गई बिलाल दे। बिलाल कड़ी सेंस ला रहे दरवाजा क्यों पर नहीं गड्डी आ रही है सी यार थोड़ा। अच्छा दर्शु साहब बंदे अल्लाह अकल दे ना बंदे नू है, तो थोड़ा जा बंदा आगे जाके ना फारक जी जगह ची होते सड़क के दरम्यान खलो के सब कुछ कर रहे हैं। लाजा ने गियर पाया हैंडब्रेक थले की थी, बुला साहब ने गड्डी तोड़ती। हाँ जी, तो जस्ट अभी मैं आया हूँ और आके मैंने शावर लिया और शावर लेके मैं अभी बैठा हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग को एंड कर दिया जाए। तो ये था आज का, कल का, परसों का, दो चार दिन का व्लॉग, तो मतलब दो चार दिन ही शूट करते रहे ना, तो बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।